तो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू गेम, जो कि ब्रांड न्यू नहीं है, मुझे पता है गाइज, लेकिन मेरे लिए ब्रांड न्यू है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बहुत ही धमाल मचाने वाले, मतलब यार इस वाली गेम में हम खेलने वाले नॉर्मल मोड में, नहीं नॉर्मल मोड में तो भाई नॉर्मल लोग खेलते हैं, हम यहाँ पे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यार जैसे कि आपको पता है नॉर्मल मोड हमारे लिए नहीं बना हुआ, तो यार हम यहाँ पे खेलने वाले हार्ड मोड पे, वो भी हार्ड वाली गेम में। तो गाइज देखते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। तो भाई क्या बोलते हो बाबू भैया? अरे देवा मेरे को भी इसमें मत फंसा रहे बाबा। क्यों बाबू भैया? मुझे पता है आपको डर लगता है ग्रेनी से। यार सच बता दो, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आपको ग्रेनी से डर लगता है। ए कुतरिया सुन, मैं तो मेरे बाप से भी नहीं डरता रे बाबा। अरे बाबू भैया ऐसा झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है आपको अपने बाबा से बहुत ही डर लगता है। बाबू भैया अम्मी जान कहती थी। ए सुपरे अलकट, हर बार तेरी अम्मी जान ही बोलती है रे, क्या तेरे पापा नहीं बोलता? नहीं बाबू भैया, मेरे पापा तो वैसे भी डर की वजह से नहीं बोलते। अरे सूप यार खेलने दो मुझे, यहाँ पे मुझे ध्यान देने दो, आप सभी के सभी लड़ क्यों रहे हो यार? यहाँ पे हमें साथ में खेलना पड़ेगा, वरना ग्रेनी हमारी साइड में आके हमें बिना पूछे और मैं पूछ के दोनों ही करके समझ गए आप, तो अब कोई भी नहीं लड़ेगा और यहाँ पे सभी साथ में मिलकर हम खेलने वाले है यार, जान लगाना। ओके अमिताभ जी, आप क्या जानते हो इस वाली बैटरी के बारे में? अरे बेटा बैटरी दो प्रकार की आती है, पहली तो लाइट से होती है और दूसरी वाली बैटरी चश्मा पहनने वाले को कहते हैं, जैसे कि हमारे ऋतिक रोशन जी। माँ सभी लोग मुझे बैटरी कहते हैं? मेरी माँ ने मुझे कहा था मुझे बैटरी नहीं कहने का, मैं जादू को कहूंगा। जादू तू कहाँ पे हो? ए ऋतिक रोशन जी आपको नहीं पता क्या, जादू तो धूप खाने के लिए सन पे चला गया। अरे गाइस अब बस हो गया यार, टाइम पास बहुत करते हो तुम सभी लोग। तो गाइस हमारे पास आ गया ये वाली गन का आई थिंक क्या है, आता गाइस मतलब कि हमें ग्रेनी को मारने के लिए ये वाली गन तो मिलेगी, बट हमें पूरी गन नहीं देगी, हमें गन को बनाना है और फिर जाके ग्रेनी को मारना है। अरे देवा चिंता ना कर रे बाबा, मैं हूँ मुझे आता है, मैंने बचपन में बहुत ही गन चलाई रे बाबा, बहुत खेला। अरे बाबू भैया वो वाली खिलौनों की गन थी, ये वाली असली गन है, इसको सर पे रखो और फट। ये मुझे आता है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। अरे देवा ये बच्चों का काम नहीं रे बाबा, जा बेटा जा जाके बोनविटा पे। You can play hide and seek. ए राजू चल रे चल, बिचारी के साथ खेलते है रे बाबा, अकेली लगती है बिचारी को, अकेला लग रहा होगा, चल खेलते है। ए बाबू भैया मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मुझे ग्रेनी से डर लगता है। अरे बेटा आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, डर के आगे जीत है। अमिताभ जी डर के पहले सड्डे पेदे है। अरे एक सेकंड आप लोग सुब रहो तो मुझे यहाँ पे देखने दो, ग्रेनी कहाँ पे गई यार? वो बूढ़ी कहीं पे आ जा सकती है, मतलब यार उसके पास शक्तिमान से भी ज्यादा शक्तियाँ है। अरे देवा ये वाला पलंग मेरा है रे बाबा, मैं यहाँ पे सोऊंगा। ए राजू तू दूसरे पलंग पे जाके सोना। अरे बाबू भैया आपके बोलने की वजह से यहाँ पे ग्रेनी आ गई, देख रहे हो? अब बोला तो आपको ग्रेनी के पास ही भेज दूंगा सोने के लिए। अरे गाइस ग्रेनी एक ही है और यहाँ पे इतना बड़ा घर है, मतलब यार ग्रेनी को इतने बड़े घर का क्या काम, मुझे तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लगता है। ए कुतरिया कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसके पति ने उसको गिफ्ट दिया होगा। पर बाबू भैया उसके पति को इस वाली गेम के अंदर लाने के लिए हमें चैप्टर 2 डाउनलोड करना पड़ेगा, बट यार फिलहाल तो हम इस वाले चैप्टर को ही कम्प्लीट करने जा रहे हैं, जो कि हमसे नहीं होगा। अरे अरे बेटा बेटा यहाँ पे तो दूसरी बैटरी है। अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं और कोई भी कार में दो बैटरी होती वैसा होता नहीं। पर देवा इसको खोलने के लिए पकड़ यूज कर रहे बाबा। बाबू भैया इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। देवा रे देवा ड्राइवर को तो मैंने छुट्टी दे दी रे बाबा, पहले कहना था ना। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे बाबू भैया मैं ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, स्क्रू ड्राइवर जो कि आपके दिमाग में नहीं है, वो वाला स्क्रू। अरे गाइस यहाँ पे तो आवाज हो गया, तो गाइस मैं यहाँ पे जाके सूख जाता हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि ग्रेनी जरूर से आएगी। ए बाबू भैया ग्रेनी के कान तो आपसे भी अच्छे है। ए अलकट बोलने का नहीं चुप रहे, वरना तेरे कान को मैं तोड़ डालूंगा। ए बाबू भैया आप जो चाहे हो कह सकते हो, बट डोन इज ऑलवेज राइट। तो गाइस बाबू भैया के मौसी का कॉल आने की वजह से हमारी गेम फिर से स्टार्ट हो गई है, तो यार फिर से खेलते हैं गेम को। तो गाइस अब CID बनने का वक्त आ गया है, मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ कि ग्रेनी अपने घर में क्या क्या छुपाती है। तो इसकी शुरुआत हम घर के सबसे मेन वाले हिस्से से, मतलब क्या टॉयलेट से करने वाले। और अरे अरे यार संडास में साबी कौन रखता है यार? ग्रेनी साबिया खाने लगी हो क्या? ग्रेनी जी ये सब बंद कर दो, पाचन नहीं हुआ तो आप मर जाओगी। अरे देवा पतंजलि का हाजमोला खाने का
कब निकला पता भी नहीं चलेगा। बाबू भैया क्या आप भी आज आजमोला खा के आए हो? ना रे मैं रोज खाता हूँ। अरे भागो बाबू भैया यहाँ पे हक गई। अरे गाइस एक ग्रेनी यहाँ से हट क्यों नहीं रही यार, कुछ करो। रुको मैं कुछ करता हूँ। अरे ग्रेनी जी आपके कुकर की सीटी बज रही है, मुझे तो लगता है आपकी खिचड़ी पक गई है। अरे बेटा भागो, खिचड़ी से पहले हम ही पक जाएंगे। अरे क्या नशे है, मतलब यार ग्रेनी उसकी जगह पे ऐसी खड़ी है, और भाई इतनी देर वेट तो मैं संडास की लाइन पे भी ना करूं। 2 hours later। अरे देवा भाग रे नानी मेरे पीछे, अरे बाबा दूर हट। ए राजू हट रे बाबा मेरे को भागने दे। अरे देवर देवा, अरे देवर देवर नहीं रे देवा, नहीं रे देवा नानी को मत आने दे। अरे नानी रे बाबा बाबा रे बाबा। क्यों बाबू भैया कैसा लगा? मैंने कहीं पे सुना था कि आप ग्रेनी से नहीं डरते। यहाँ पे आप सभी का काम नहीं, डॉन को खेलने दो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपने सुना ही होगा डॉन को 12 मुल्कों की पुलिस पकड़ रही है। अरे शाहरुख खान जी 12 मुल्कों की पुलिस तो नहीं पकड़ पाएगी, बट यार ये ग्रेनी जरूर से पकड़ पाएगी, जल्दी से सूझ जाओ। ओके यार बाल बाल बसे देख रहे हो शाहरुख खान जी। अरे यार किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। अरे बेटा ऐसा अभिमान नहीं करते, मैं भी कहा करता था कि हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बट यार देख रहे हो इस कोरोना काल में लाइन भी 2 कदम पीछे खड़ी होती है। हाय। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे डायलॉग बाद में मारो, अभी ग्रेनी पीछे आ रही है, जल्दी से पलंग के नीचे घुसो। या डरो मत, मैंने पहले भी कहा था मैं हूँ ना। क्या डॉन बनेगा रे तू? ए राजू चल ले, इससे ना हो पाएगा। रुको कोई भी नहीं खेलेगा, अब सिर्फ मैं ही खेलूंगा। देख रो मेरे चारों तरफ खून ही खून है, मतलब मेरे सर के ऊपर खून सवार हो गया है, मैं उस वाली ग्रेनी को मार के ही रहूंगा। Later that night। अरे देवा ये दीवार तो टूटी हुई है, देख रहे हो कैसा कर रहे। ए राजू कैसा कर नहीं लेने का, मैंने तुमसे कहा था पेंट करवा तो एशियन पेंट लगाने का। अरे गाइस देख रहे हो ग्रेनी हमारे नीचे है, तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि उसके ऊपर जंप मार दूँ। ठीक है मुझे पता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती की, बट गाइस मैं आपको बता दूँ कि आदमी गलतियों से ही सीखता है बट औरतें नहीं सीखती। तो गाइस इस वाली सुडेल की बस्सी शैतान का साला, मेरा मतलब शैतान की साली को मानना बहुत ही मुश्किल है, इसको हम बाद में हरा देंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से आओ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू लेटर। यू कैन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।